अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सरफराज बेगर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने इस चैनल में मैं बरसगीर पाकिस्तान के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूं, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करता हूं, म्यूजिशियंस और डांसर्स के बारे में बात करता हूं और ऐसे तमाम लोगों के बारे में बात करता हूं जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से बरसगीर पाकिस्तान के फिल्मी दुनिया से है। ये सिलसिला मैंने 1913 से शुरू किया था और अब तक मैं 1948 तक पहुंचा हूं और ये सिलसिला इसी तरह आगे चलेगा। और 1947 के बाद अब पहले मैं जिन अदाकारों की बात करता था वो बरसगीर पाकिस्तान का हिस्सा थे। उसके बाद जब दोनों मुल्क दो समय तकसीम हुए तो कुछ इंडियन अदाकार कहलाने लगे, बाकी पाकिस्तानी। लेकिन मेरे ख्याल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अदाकार और स्टार स्टार्स होते हैं। तो अब मैं अपने जहां इंडियन अदाकारों की बात करता हूं वहां पाकिस्तानी अदाकारों की भी बात करता हूं जिन्होंने पहले हिंदुस्तानी फिल्मों में काम किया लेकिन बाद में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तानी फिल्मों में काम करने लगे, क्योंकि उनमें से कुछ पाकिस्तान आगे थे। वीडियो शेयर करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सलाह अफजाई हो। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उनका नाम है नजमा। ये दो नजमा, एक नजमा ने पाकिस्तान बनने के बाद 60s में फिल्मों में काम शुरू किया, ये नजमा है जिन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले बॉलीवुड में काम किया और उसके बाद बॉलीवुड में। आपने अपने कैरियर का आगाज उलझन फिल्म से किया जो 1942 में बनी। 1943 में आपने फिल्म नई जिंदगी में काम किया। 1944 में आपने दो फिल्में की, डॉक्टर कुमार नसीब। 1945 में आपने दो फिल्में की, उनके नाम कुछ ऐसे हैं, पिया मिलन और नसीब, ये दो फिल्में हैं। 1946 में आपने दो फिल्में की, चेहरा हकदार। 1947 में आपने तीन फिल्मों में काम किया, परवाना, कसम, शाहकार। और जब पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बने, तो आप हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान आ गई और पाकिस्तान में बनने वाली पहली फिल्म तेरी याद में काम किया जो 1948 में बनी। इसमें दीगर अदाकारों ने भी काम किया जिनमें दिलीप कुमार के भाई नासिर खान थे, उन्होंने भी काम किया, आशा भोसले ने काम किया, नजर ने काम किया। 1949 में आपने पंजाबी फिल्म हिचकोले में काम किया। 1950 में आपने फिल्म हमारी बस्ती में काम किया। 1951 में आपने फिल्म बिल्लो में काम किया। 1952 में आपने फिल्म हरजाई में काम किया। उसके बाद 1952 के बाद आपकी शादी फिल्म प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर के साथ होगी, बारी अनीस के साथ, और उसके बाद आपने फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया। और बाद में 20 साल के अरसे के बाद आप दो फिल्मों में एज ए मेहमान अदाकार आई, अज दियां कुड़ियां ये 1977 में रिलीज हुई, एक एक्सीडेंट ये 1978 में रिलीज हुई। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी के पुराने अदाकारा नजमा के बारे में। वीडियो का अख्तिताम करने से पहले मैं आपसे एक दफा फिर कहूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत शुक्रिया।